हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लूम सोलर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे छोटे सोलर सिस्टम को बड़े सोलर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गर्मी के सीजन में ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज और पावर कट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इन्वर्टर बैटरी होते हुए भी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाता है और घर के सदस्य परेशान होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इस वीडियो में कुछ नया। यह सोलर सिस्टम 2020 में पुराने इन्वर्टर बैटरी को सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से सोलर पर लगाया गया था। यहाँ पर सिंगल बैटरी के लिए लूम सोलर 375 वॉट का सोलर पैनल लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को पता था आने वाले टाइम में हमें सिस्टम को अपग्रेड करना है, इसलिए वह 375 वॉट 24 वोल्ट का ही सिलेक्शन किए थे। उसी के साथ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पैनल को सपोर्ट करता है। फिर से एक साल बाद हम लोग यहां पर आए हैं और इस सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। यह ग्रामीण इलाका है, यह वेस्ट बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन के नियर वाइज का लोकेशन है। वेस्ट बंगाल ईस्ट इंडिया में पड़ता है, जिसका कैपिटल कोलकाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगाते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा कि जब वो सोलर पैनल का सिलेक्शन करें तो कौन सा सोलर पैनल उनको लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब सोलर पैनल को 1x1 इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास छत पर लूम सोलर का 375 वॉट सोलर पैनल है, अब इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास है लूम सोलर 2 पैनल स्टैंड 375 वॉट के लिए। इसके डिटेल वीडियो हम दूसरे वीडियो में कवर किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैनल स्टैंड लगाते समय माउंटिंग होल, कैप्सूल होल और इसका डायरेक्शन प्रॉपर रखें, अदरवाइज इसका होल मैच नहीं करेगा, जिससे आपकी परेशानी हो सकती है। इसके बाद हम सोलर पैनल को पैनल स्टैंड पर माउंट करेंगे और होल मैच करवा के नट वोल्ट की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। अब हम यहां पर दूसरे पैनल को अनबॉक्स और पैनल स्टैंड पर इंस्टॉल करेंगे। दूसरा पैनल भी पैनल स्टैंड पर लग के रेडी हो चुका है, अब इसको हम नट वोल्ट की मदद से प्रॉपर हम टाइट कर देंगे। पैनल स्टैंड को M10 फास्टनर की मदद से इसको हम फिक्स करेंगे। इसके लिए हमारे पास है ड्रिल मशीन, इसके बीट को M10 फास्टनर की साइज लेकर हम नाप लेंगे, फिर उस पर मार्किंग कर लेंगे, फिर हम उस RCC में ड्रिल करेंगे। ड्रिल करते समय आप ये ध्यान जरूर दें कि छत की जो डेप्थ है वो मजबूत हो, अदरवाइज ये आर पार हो जाएगा, जिससे आपकी परेशानी हो सकती है। M10 फास्टनर को हैमर की मदद से इसको ठोक कर हम इसको अंदर करेंगे और की की मदद से इसको टाइट कर देंगे। अब हम सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे। यह स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास 2500 VA का इन्वर्टर है, जिसका VOC 85 वोल्ट है। VOC को मैच करवाते हुए सोलर पैनल को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन का मतलब है प्लस 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 एक साथ और चारों पैनल का माइनस 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 एक साथ होगा। इसके लिए हम यहाँ पर 4-in-1 MC4 कनेक्टर का यूज करेंगे। DC वायर और MC4 कनेक्टर टाइट कनेक्ट हो, इसके लिए हमारे पास है क्लिपिंग टूल, जिसकी मदद से हम इसको टाइट कनेक्ट कर देंगे।
रूफटॉप का काम खत्म हो गया है, अब हम नीचे आ जाएंगे और इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। इस इन्वर्टर की पूरी जानकारी हमारे दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम 6 mm डीसी वायर का यूज किए हैं। अब इस डीसी वायर को सोलर पैनल के प्लस और माइनस पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हमारे पास जो इन्वर्टर है 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसके लिए 12 बैटरी को हम सीरीज कनेक्शन करके हम इसको 24 वोल्ट बैटरी बना देंगे। जब आप फाइनली इन्वर्टर का प्लस माइनस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक स्पार्क जनरेट करेगा, जिससे आपको डरने की कोई बात नहीं है। बैटरी के पॉइंट पर जब प्लस माइनस और वायर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक केमिकल यूज किया जाता है, जिससे वाइट एसिड यहाँ पर बहुत ही कम आता है, जिससे आपकी बैटरी का पोल 5 ईयर्स तक चल पाएगा। इन्वर्टर का पावर बटन हम ऑन कर दिए हैं और यह सोलर पर कनेक्ट हो चुका है। अभी के टाइम शाम हो चुका है, जिसके कारण यहां पर सोलर पावर अनअवेलेबल दिखा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप पुराने छोटे सिस्टम को कैसे बड़े सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह सोलर सिस्टम लूम सोलर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रीन वॉट सोलर एनर्जी के द्वारा लगाया हुआ है। इसी के साथ है इनके कस्टमर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि आपको नए सोलर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस टाइप की नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए ग्रीन वॉट सोलर एनर्जी, जिनके ओनर हैं मिस्टर शकील जी, जिनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का धन्यवाद।